हेलो फ्रेंड, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका कहाँ से है? बेसिक प्रिंसिपल एंड क्वेश्चन से। तो आपके पास है लिस्ट वन और लिस्ट टू, और फिर अपने को मैच करना है इसको। तो ये जो आपको दिख रहा है अमोनियम फॉस्फेट आपको याद रखना है, ये किसके लिए होता है? ये हम फॉस्फोरस के लिए यूज करते हैं। फॉस्फोरस के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका जो कलर होता है वो कलर होता है, 1 मिनट, इसका जो कलर होता है वो है आपका येलो कलर। दूसरा आपके पास है पीबीएस। पीबीएस जो है ये सल्फर के लिए यूज होता है, सल्फर के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ये इसका होता है ब्लैक। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए होता है? ये भी सल्फर के लिए होता है, और इसमें हम कंपाउंड जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है उसमें क्या डालते हैं? FeCl3। FeCl3 डालने से, तो अगर आपके कंपाउंड में, आपके सोडियम एक्सट्रैक्ट में, किसमें बोल रहा हूँ मैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट, अगर आपके सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, ठीक है, तो आपको फिर ये ब्लड रेड कलर मिलने वाला। किसका? FeSCN का ब्लड रेड कलर होने वाला, ठीक है। और आपके पास ये लास्ट वाला जो है, ये नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाला जो टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, इसके लिए फॉर फॉर सल्फर। यहाँ देखिए, जी वाले में आप सल्फर भी बता सकते हो, थर्ड वाले में सोडियम नाइट्रोजन और सल्फर, और यहाँ पे सल्फर के लिए। जब आप सोडियम नाइट्रोक्साइड डालेंगे और सोडियम एक्सट्रैक्ट में, तो अगर वहां पे सल्फर प्रेजेंट होगा तो आपको ये मिलेगा, और इसका जो कलर होता है वो वायलेट कलर का मिलता है अपने को। अगर वायलेट कलर होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे सल्फर प्रेजेंट है, सोडियम नाइट्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम दो दे सकते हैं, ए का जो है येल्लो है, मतलब ए का थ्री। अब ए का थ्री जो है एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। बी का क्या होना चाहिए? फोर, यस, ब्लैक है। सी का क्या होना चाहिए? ब्लड रेड। और डी का क्या होना चाहिए? दैट इज वायलेट कलर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन के पास और है, ये क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का देखिए, इसमें आपके पास, यहाँ पे आपके पास है CONH2, और ये क्या है? एसिटामाइड। एसिटामाइड, और एसिटामाइड में आप क्या ऐड कर रहे हैं? Br2। तो ये क्या हो गया? डिग्रेडेशन। कौन सा डिग्रेडेशन? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा? आराम से हम लोग बना सकते हैं कि अगर अपने पास अमाइड है और उसमें हम Br2 ऐड करें प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH, तो ये CO उड़ जाता है, और CO उड़ने के बाद आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे NH2। अब इसके बाद इसमें आपने क्या ऐड किया है? देखिए, CH3CO, होल ट्वाइस O, मतलब आप क्या करने वाले हैं? इसका एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन किसका होगा? NH2 का। और इसका एसिटाइलेशन होकर क्या मिलेगा आपको? ये मिलने वाला है आपको NH C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिनलाइड। और इसके बाद आप इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? क्या ऐड करने वाले हैं? HNO3 प्लस H2SO4, मतलब आप नाइट्रेशन करना चाहते हैं, और नाइट्रेशन जो है उसके लिए क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? नाइट्रोनियम आयन। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, एक मेजर और एक माइनर। तो हमें मेजर चाहिए, तो मेजर हमारा जो प्रोडक्ट है वो है आपका, ये देखिए, NHC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये आपको पैरा पोजीशन पे ऐड कर देना है, ये है आपका मेजर मेजर। और इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करना, बट कौन सा हाइड्रोलिसिस है? ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है, तो इसका मतलब है ये आपको जो है ये यहाँ से हटा देना है, इसको आपको हटा देना है, इसको हटा देंगे तो आपको देखिए
अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अब इसको हटा देंगे तो फिर से वो एनिलिन हो जाएगा और ये फिर अपना इससे मैच हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलने वाले हैं। ओके।